गुल्ली बुल्ली के घर आज अपना पोटी बॉय सोन आया हुआ था कंप्यूटर पे गेम्स खेलने के लिए। और आज गुल्ली सोन को अपने घर पर ही सोने के लिए बोलता है। और रात को ये लोग सब्जी लाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने सोचा कि आज कुछ अच्छा खाया जाए। थोड़ी देर में ये लोग मार्केट के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल सोन ने ही गुल्ली बुल्ली से कहा था कि आज वो खाना बनाएगा, इसलिए सोन सब्जी लेने के लिए आया है। सोन ने कहा कि ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ लेना है, इसलिए गुल्ली बुल्ली उसके साथ आए हैं। लेकिन सोन को ये बात पता नहीं कि रात के टाइम में ताज़ी सब्जियाँ मिलना मुश्किल है। गुल्ली बुल्ली और सोन देखते हैं कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे सब्जियों और फलों की दुकान अभी तक खुली है। गुल्ली बुल्ली थोड़ी दूर पर एक सब्जी वाले को देखते हैं जो सब्जी बेच रहा होता है। गुल्ली बुल्ली से देखते ही पहचान जाते हैं। गुल्ली बुल्ली ने इसे पहले कहीं देखा है। दोस्तों आपने इसे कहाँ देखा है मुझे कमेंट में बताइए। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि इस जगह पर काफ़ी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन इस सब्जी वाले के पास आते ही ये फैसला कर लेते हैं कि अब गुल्ली बुल्ली और सोन यहीं से सब्जी लेंगे। तभी सब्जी वाला गुल्ली बुल्ली से कहता है कि कोई भी सब्जी लेने से पहले मेरी बात सुन लो कि तुम लोगों को थैला अपने साथ लेकर आना होगा क्योंकि मैं प्लास्टिक नहीं देने वाला। तभी सोन उससे कहता है कि अंकल 1 किलो सेब देना। ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है कि अंकल इसकी बात पर आप ध्यान मत दीजिएगा। अरे सोन तुम्हें यहाँ सेब कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ तो सेब है ही नहीं। फिर बुल्ली अंकल से कहता है कि अंकल ये थोड़ा पागल है, ये कुछ भी बोलता है। सोन सारी बातें को इग्नोर करते हुए कहता है कि 1 किलो अंगूर दे दीजिए अंकल। अंकल को सोन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि जो चीज़ यहाँ है ही नहीं सोन उसके बारे में ही पूछते ही जा रहा था। तभी गुल्ली हंसते हुए कहता है कि आप सोन पर ध्यान मत दीजिए अंकल, आप सारी सब्जियाँ 1-1 केजी दे दीजिए। तभी सोन कुछ सोचने लग जाता है और सोन कहता है कि अंकल मुझे 1 नींबू दे दीजिए, हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। सोन की ये बात सुनकर अंकल काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और सोन ये समझ जाता है कि अब सोन बचने वाला नहीं है। तभी सोन घूमकर वहां से भागने लग जाता है और अंकल उसे दौड़ाने लग जाते हैं। अगर आज सोन अंकल के हाथ लग गया तो अंकल उसे कूट ही देंगे। गुल्ली बुल्ली ये देख रहे होते हैं। काफ़ी देर से मजाक मस्ती चल ही रही होती है कि तभी गुल्ली बुल्ली को कुछ दिखाई देता है और गुल्ली बुल्ली काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अरे ये क्या, जंगल से एक काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर चलते हुए आ रहा होता है जो कि सोन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सोन जैसे ही अपने सामने मॉन्स्टर को देखता है तभी सोन कहता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे सामने क्यों आ गए और तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, मुझे भागने दो, चलो हटो सामने से, जाओ यहाँ से। तभी वो मॉन्स्टर सोन पे हमला कर देता है और 1 लपड़ मार देता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली सोन के पास आते हैं और गुल्ली बुल्ली को इस मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की, अब तुम बचोगे नहीं, तुम्हें शायद ये पता नहीं है कि हम लोग 4 लोग हैं और 4 लोग मिलकर तुम्हें काफ़ी कूट देंगे और मार खाने के बाद तुम यहाँ से भाग भी नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें ये वार्निंग दे रहा हूँ कि यहाँ से निकल लो। तभी मॉन्स्टर कहता है कि तुम लोग 4 हो या 10 मैं तो सबको संभाल लेता हूँ, वैसे भी मेरे पास काफ़ी ताकत है, मैंने तो एक बार 100 लोगों को अकेले ही पीट दिया था। तभी बुल्ली कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि हमारे साथ बाबा हैं और बाबा तुम्हारे जैसे 1000 को 1 ही बार में मार सकते हैं, इससे पहले कि हम लोग बाबा को बुला लें तुम यहाँ से निकल लो वरना पीट दिए जाओगे। तभी मॉन्स्टर काफ़ी गुस्से में कहता है कि बुला लो तुम्हें जिसको बुलाना है, मैं देख लूँगा कि तुम्हारा बाबा कौन है और वो मुझसे कितना ताकतवर है, मुझे पता है कि वो 1 ही बार में मारा जाएगा। ठीक है तो आज तुम लोगों की बात मान ही लेते हैं, मैं आज बाबा से लड़ूंगा और देखते हैं कि कौन जीतेगा। तभी गुल्ली कहता है कि ठीक है तो तुम्हारी बात मान ही लेते हैं, हम लोग बाबा को बुला लेंगे, तुम कल रात 8 बजे कब्रिस्तान वाले रास्ते में आ जाना जहाँ पर वो बॉक्सिंग स्टेज है, हम लोगों को कल पता चल ही जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, मुझे पता है कि तुम ही हारोगे। सोन ये सारी बातें सुन सुनकर अंदर ही अंदर काफी गुस्सा हो रहा था। तुम्हारे इस थप्पड़ का बदला बाबा जरूर लेंगे, मैं बाबा से तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है और फिर बाबा तुम्हें बहुत मारेंगे, मुझे पता है कि तुम बाबा के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक सकते, तो चलो कल देख ही लेते हैं कि क्या होता है। तभी मॉन्स्टर कहता है बस बस अब चुप करो, कल ही पता चल जाएगा, और ये कहते ही मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। अगले दिन रात को 8 बजे गुल्ली बुल्ली बॉक्सिंग की सारी तैयारी कर लेते हैं। थोड़ी देर में वो मॉन्स्टर और बाबा यहाँ पर लड़ेंगे और जैसे ही सोन आएगा मैच स्टार्ट हो जाएगी। अरे बुल्ली अभी तक कोई आया क्यों नहीं है, हमने तो बाबा को भी बोल दिया था, बाबा भी अभी तक नहीं आए हैं, मुझे लगता है कि बाबा डर चुके हैं, हम लोगों को बाबा के पास फ़ोन करना चाहिए, शायद बाबा डर कर घर में ही बैठे हुए हैं, बाबा आएंगे भी या नहीं मुझे नहीं पता। गुल्ली बुल्ली ये सब बातें सोच ही रहे होते हैं कि तभी गुल्ली बुल्ली को बाबा दिखाई देते हैं जो कि अपनी बाइक से आ रहे होते हैं।
बाबा यहाँ आते ही काफ़ी खतरनाक तरीके से गाड़ी को रोकते हैं। गुल्ली बुल्ली ये देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं। अच्छा हुआ कि गुल्ली बुल्ली को कुछ नहीं हुआ। बाबा के इस कारनामे से गुल्ली बुल्ली को ऐसा लगता है कि आज गुल्ली बुल्ली मरते मरते बचे हैं। अच्छा हुआ कि बाबा ने सही टाइम पर गाड़ी को रोक दिया। तभी बाबा गाड़ी के ऊपर खड़े होकर कहते हैं कि किससे लड़ना है मुझे, वो आया क्यों नहीं, मुझे यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्या मुझे तुम दोनों से लड़ना है। तभी बुल्ली कहता है कि नहीं बाबा, हम लोग आपसे कैसे लड़ सकते हैं, वो मॉन्स्टर थोड़ी देर में आने वाला ही होगा। तभी गुल्ली कहता है बाबा आप जब नहीं आ रहे थे तभी बुल्ली कह रहा था कि बाबा शायद डर कर घर में छुपे हुए हैं और बाबा उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ेंगे, और पता नहीं बुल्ली आपके बारे में क्या क्या कह रहा था। ये बात सुनते ही बुल्ली काफ़ी परेशान हो जाता है और गुल्ली से कहता है मैंने कहा कुछ कहा, तुम मेरे बारे में झूठ झूठ क्यों बोल रहे हो। नहीं बाबा मैंने कुछ नहीं कहा, ये मुझे आपसे पिटवाना चाहता है इसलिए ये मुझे फंसा रहा है। बाबा मैं तो मजाक कर रहा था, बुल्ली ने ऐसा कुछ नहीं कहा, जाइए बॉक्सिंग की तैयारी करिए। ये बात सुनते ही बाबा बॉक्सिंग स्टेज पे चले जाते हैं और बाबा मॉन्स्टर से लड़ने की तैयारी करने लग जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है कि गुल्ली अभी तक दोनों मॉन्स्टर आए क्यों नहीं, काफी देर हो चुका है। ये बात सुनते ही गुल्ली कुछ सोचने लग जाता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है बुल्ली बाबा से लड़ने के लिए तो एक ही मॉन्स्टर आने वाला है, तुम दो मॉन्स्टर क्यों बोल रहे हो। इधर बाबा अपनी तैयारी करने में लगे हुए थे। अरे गुल्ली तुम्हें पता नहीं है कि सोन के आने के बाद ही मैच शुरू होगा और सोन भी तो एक मॉन्स्टर ही है, वो मॉन्स्टर से कम नहीं दिखता है, सोन को फोन लगाकर पूछो कि वो कब आएगा। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है कि सोन के बारे में सोचना बंद करो बुल्ली, हम लोग तो सोन को घर से ही उठाकर ले आएंगे, लेकिन उस मॉन्स्टर के बारे में सोचो, मॉन्स्टर अभी तक आया क्यों नहीं है, मुझे लगता है कि वो मॉन्स्टर बाबा से डर चुका है। गुल्ली बुल्ली को ऐसा लग रहा था कि मॉन्स्टर बाबा से लड़ने के लिए नहीं आएगा, लेकिन तभी मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है। अरे ये क्या, बाबा ने तो इसे स्टेज पर चढ़ने भी नहीं दिया। थोड़ी देर में मॉन्स्टर उठकर बैठ जाता है। मॉन्स्टर को अभी भी ये बात पता नहीं है कि बाबा कितने शक्तिशाली हैं और मॉन्स्टर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अरे बुल्ली क्या करे, इस मॉन्स्टर को आज पिटने दे क्या, इसे तो बाबा अंदर भी आने नहीं दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आज मॉन्स्टर के साथ बाबा क्या क्या करेंगे। नहीं गुल्ली हमें उसे रोकना होगा क्योंकि अभी तक वो मॉन्स्टर नहीं आया है, मेरा मतलब है कि सोन नहीं आया है, सोन जैसे ही आएगा मैच स्टार्ट कर देंगे। फिर गुल्ली बुल्ली टेबल पर खड़े हो जाते हैं। तभी गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा थोड़ी देर रुक जाइए, अभी तक सोन नहीं आया है, सोन जैसे ही आएगा तभी मैच स्टार्ट होगी, अभी आप उस मॉन्स्टर को क्यों मार रहे हैं, कम से कम उसे अंदर तो आने दीजिए। और गुल्ली बाबा से ये भी कहता है कि मुझे पता है कि वो मॉन्स्टर आपके सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन अगर आप उसे इस तरह से मारेंगे तो वो मैच शुरू होने से पहले ही भाग जाएगा। और गुल्ली ये भी कहता है कि बाबा इस मॉन्स्टर को सोन के सामने ही मारिएगा, तभी सोन को काफ़ी खुशी होगी क्योंकि ये मॉन्स्टर ने सोन को एक लपड़ दिया था। बाबा कहते हैं कि ठीक है बुल्ली जल्दी से सोन को बुलाओ, मुझे रहा नहीं जा रहा है, ये मॉन्स्टर का शकल ही कितना गंदा है। तभी गुल्ली बाबा से कहता है कि वो देखिए बाबा सोन आ रहा है। इधर सोन काफी तेजी से अपनी बाइक लेकर वहां पर आ जाता है। इधर बाबा और वो मॉन्स्टर फाइट की तैयारी करने लग जाते हैं, पता नहीं आज कौन जीतेगा। अरे सोन तुमने आने में काफी देर कर दिया, अभी तो मैच स्टार्ट ही होने वाला था। तभी सोन कहता है अरे गुल्ली मुझे आने में देर इसलिए लगी क्योंकि मैं घर में अपना पैंट ढूंढ रहा था और मेरा पैंट मिल ही नहीं रहा था, बिना पैंट के मैं कैसे आता, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन वो सब छोड़ो अभी मैं आ चुका हूँ ना, चलो अब मैच को स्टार्ट करते हैं। तभी बुल्ली कहता है बाबा उस मॉन्स्टर को मारने के लिए काफ़ी उतावले हो रहे हैं, अगर तुम नहीं आते तो बाबा उस मॉन्स्टर को तुरंत ही मार देते। तभी गुल्ली कहता है जाओ सोन अपने काम पर लग जाओ और मैच को स्टार्ट करवाओ, मुझे रहा नहीं जा रहा है। ये बात सुनते ही सोन स्टेज पर चला जाता है और कहता है अब आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, और ये कहते ही सोन पीछे चला जाता है। और फिर बाबा और वो मॉन्स्टर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे ये क्या, लगता है कि बाबा आज हार जाएंगे, गुल्ली बुल्ली परेशान हो रहे हैं। बाबा ने तो इसे एक ही बार में जमीन में गिरा दिया है, ये देखकर गुल्ली और सोन काफी खुश हो जाते हैं।
ओ माय गॉड, बाबा तो इसका हालत खराब कर रहे हैं। तभी सोन कहता है, नहीं नहीं बाबा, इसे इस तरीके से नहीं मारना है। तभी बुल्ली कहता है, बाबा आप गलत तरीके से मार रहे हैं, इस तरह से तो ये मारा जाएगा। और फिर बाबा उस मॉन्स्टर को छोड़ देते हैं। तभी सोन कहता है कि चलो मॉन्स्टर अब उठ जाओ, अब सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। तभी मॉन्स्टर कहता है, सेकेंड राउंड स्टार्ट होने से पहले मेरी बात सुन लो, सभी लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि इस तरह से फाइट नहीं होती है, बॉक्सिंग का ये गलत तरीका है, बॉक्सिंग में इस तरह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अगर इस तरह से लड़ाई होगा तो मैं घर नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं तो उल्टा ऊपर पहुँच जाऊँगा, और हाँ बाबा थोड़ा धीरे मारिएगा। तभी सोन कहता है, बाबा सेकेंड राउंड स्टार्ट कर रहा हूँ, इस बार थोड़े अच्छे से लड़िएगा और मेरा थप्पड़ का बदला जरूर लीजिएगा, मैं रास्ते में मौज मस्ती कर रहा था कि इसने मुझे बेमतलब का मार दिया है। फिर सोन कहता है, अब सेकेंड राउंड स्टार्ट करिए। और फिर सेकेंड राउंड शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बाबा ने तो इसे फुटबॉल की तरह उड़ाकर मारा है। तभी गुल्ली कहता है, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, आप बॉक्सिंग करने आए हैं, फुटबॉल खेलने नहीं। तभी गुल्ली कहता है, और हाँ बाबा फुटबॉल तो फुटबॉल के साथ खेला जाता है, मॉन्स्टर के साथ नहीं, आपने तो इस मॉन्स्टर को गिरा ही दिया है। फिर मॉन्स्टर उठकर खड़ा हो जाता है, बाबा मॉन्स्टर के पास आते हैं। तभी मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हारे बाबा को फाइट करना नहीं आता है, ये तो कुश्ती करने लग जाते हैं। ये सुनकर बाबा को काफ़ी गुस्सा आता है और बाबा उछलकर ऊपर खड़े हो जाते हैं, और ये मॉन्स्टर ये देखकर काफ़ी तेज़ी से भाग जाता है। अरे गुल्ली, ये मॉन्स्टर तो बाबा के दो ही फटके से भाग गया है और हम लोगों के सामने लंबी लंबी फेंक रहा था, लेकिन अब जो भी हो बाबा अब जीत ही चुके हैं। सोन आज काफ़ी खुश है क्योंकि बाबा ने आज उसका बदला ले ही लिया। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा घर जाने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप गुल्ली बुल्ली की और नई नई वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें।